औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में कंपनी में काम कराने के लिए आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर बाल श्रम करवाने पर फैक्ट्री प्रबंधन व 5 ठेकेदारों के खिलाफ सेलाकुई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवा सिविल जज सीनियर डिवीजन के नेतृत्व में पैरा लीगल स्वयंसेवक मैक्स संस्था बचपन बचाओ आंदोलन की टीम व चाइल्ड लाइन और टास्क फोर्स द्वारा सेलाकुई स्थित डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 94 बालिकाओं को चिन्हित कर उनके आधार कार्ड व सर्टिफिकेट की जांच की गई। जांच के बाद डिक्सन कंपनी प्रबंधन सहित कंपनी में ठेकेदार का काम देख रहे संदीप रेहान और सिंघानिया ठेकेदार के द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाने और 12-12 घंटे तक अवैध बाल श्रम करवाना पाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जांच के आधार पर सहायक परियोजना अधिकारी बचपन बचाओ आंदोलन संदीप पंत की तहरीर के आधार पर डिक्सन कंपनी प्रबंधन और 5 ठेकेदारों के खिलाफ सेलाकुई थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम द्वारा विवेचना के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सत्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विकासनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। उप निरीक्षक अर्जुन गोसाई के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चाय बागान नांगा रोड से 3 तस्करों को अल्टो कार के साथ गिरफ्तार किया गया। तीनों तस्कर वीरेंद्र सिंह, प्रताप सिंह और राजिंदर सिंह चमोली जिले के रहने वाले हैं, जो गांव में ही चरस निकालने का काम करते हैं। आजकल देहरादून में शादी समारोह में आए हुए थे। इसी बीच विकासनगर में चरस को उच्च दामों पर बेचने की फिराक में थे कि पुलिस ने धर दबोचा। तीनों आरोपियों के खिलाफ 8/20/29/60 NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है, जिन्हें कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर कार्यालय से प्राप्त एक महिला के शिकायती पत्र के आधार पर कोतवाली विकासनगर में एक युवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायती पत्र में युवक पर जाति सूचक शब्द बोलने, छिड़कानी करने और महिला का हाथ पकड़कर जबरन गाड़ी में बिठाने का आरोप लगाया गया है। थाना विकासनगर में इस संबंध में 341/354/365/511 IPC और 3-1-KR-5 SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।